गोरखपुर नौतनवा और आनंदनगर बरनी गोंडा रेल मार्ग पर विद्युतीकरण का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में इन मार्गों पर भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। गौरतलब है कि आनंदनगर बरनी गोंडा कुल 261 किलोमीटर रेल लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलने से समय की बचत होगी, स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था, पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलेगा। इसके साथ विद्युतीकरण से जहां डीजल पर हमारी निर्भरता कम होगी और राजस्व की बचत होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया। गोरखपुर आनंद नगर बढ़नी गोंडा जो लूप लाइन है उसमें विद्युतीकरण का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और गोरखपुर आनंद नगर नौतनवा का कार्य भी किया जा रहा है तेज़ी से विद्युतीकरण का। इसके अंतर्गत गोरखपुर से लेकर आनंद नगर का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, उसके सीआरएस की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने के फर्स्ट क्वार्टर तक मुझे लगता है या फर्स्ट वीक तक कह लीजिए यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। सर, विद्युतीकरण से हो जाने के बाद ट्रेनें चलने से यात्रियों को कितना क्या लाभ मिलेगा? ऐसा देखिए, विद्युतीकरण से ओवरऑल केवल यात्रियों को ही नहीं आम जनता को, देश को भी लाभ होगा, क्योंकि जो डीजल पे हमारी निर्भरता है वो कम होगी। डीजल का आप सबको पता है कि हम लोग बाहर से मंगाते हैं, तो ऐसे में जब इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगी तो डीजल पर निर्भरता कम होगी। दूसरी चीज़ जो ये प्रदूषण होता है ध्वनि से या धुएं से, वो उसकी भी बचत होगी। तो ये जो सिस्टम है इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम जो है ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ इससे राजस्व की भी बचत होती है, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है, तो इसके कई फायदे हैं। तो टाइमिंग में कुछ असर पड़ेगा सर? टाइमिंग के लिए जो सेक्शनल स्पीड है वो बढ़ेगी तो टाइमिंग रिड्यूस होगी। इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी होने के बाद और भी कई कार्य हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे पे किए जा रहे हैं, जैसे कि डबल डिस्टेंट सिग्नलिंग सिस्टम लगाए जाने का कार्य स्वीकृत है, वो कार्य किया जाना है। तो जो लाइनों में जैसे 60 kg की जो रेल लग रही हैं, 60 kg के स्लीपर लग रहे हैं, उनको बेहतर बनाया जा रहा है। जो हमारे कोचेस हैं आज के डेट में LHB के कोचेस ज़्यादातर ट्रेनों में लगने शुरू हो गए हैं, जो कि 130 के लिए फिट हैं चलने के लिए। तो कई एक समग्र जो विकास है कह लीजिए, हर क्षेत्र में जो रेलवे का हर पार्ट है, चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो सिग्नल हो, चाहे वो रोलिंग स्टॉक हो, रोलिंग स्टॉक मतलब लोकोमोटिव इंजन हो या आपका कोच हो, इन सभी को या सिग्नल हो, इन सभी को अपग्रेड किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में हम लोग स्पीड बढ़ा सकें। तो दो तरीके हैं आपके टाइम घटाने के, एक तो स्पीड बढ़ाना और दूसरा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और बढ़ा लेना। जैसे अगर सिंगल लाइन है तो उसको डबल लाइन कर लेना, अगर डबल लाइन है तो उसको ट्रिपल लाइन, जहाँ पर बॉटल नेक है, जैसे हम लोग डोमिनगढ़ से लेके कुसमी के बीच में अभी थर्ड लाइन का कार्य कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी तो टाइम रिड्यूस होगा।